दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों जनरली हम आज की बात में सिर्फ एक ही बात पर अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज हम दो मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि दोनों मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत अर्जेंट है। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं और जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, दुनिया के कई देशों से, बहुत खुशहाल और अमीर देशों से भी, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यहाँ का जो शासन है वो कहता है कि हम रामराज लाएंगे या रामराज ला चुके हैं या ला रहे हैं, वो उसका जो नारा है रामराज, जैसे बिहार का नारा सुशासन है, बिहार की सरकार कहती है सुशासन है। कोरोना के दौर में हालात क्या हैं सब देख रहे हैं कि बिहार की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, लोग त्राहिमाम मची हुई है बिहार में। एक जमाने में सुशासन से पहले सामाजिक न्याय की सरकार थी, उसने भी क्या किया था हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूलों के लिए, आप सब जानते हैं। और बिहार किस तरह वहाँ के लोग जो एहसास उस समय नहीं करते थे कि क्यों अस्पताल जरूरी हैं, क्यों विद्यालय जरूरी हैं, क्यों खुशहाली जरूरी है समाज की, सब आज महसूस कर रहे हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। पता नहीं ये इलेक्शंस के दौरान ये चीज़ें उनके दिमाग में रहेंगी या नहीं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में सुशासन की जब बात मैं कर रहा हूँ तो सुशासन का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्या ये होता है कि एक पत्रकार गाजियाबाद जैसे शहर में, जो दिल्ली के बिल्कुल बगल में है, दिल्ली NCR का हिस्सा है, उस गाजियाबाद में जहाँ पुलिस बहुत अपने को बताती है कि वो बहुत दुरुस्त है, बहुत पुख्ता है और हमेशा मुस्तैद है, गाजियाबाद पुलिस के नारों को आप देखिए, लगता है कि बिल्कुल लबदक है, बिल्कुल अलग ढंग की पुलिस है। उत्तर प्रदेश में दूसरे जो इलाके हैं पिछड़े, उनके मुकाबले, बिल्कुल दिल्ली के मुकाबले, और दिल्ली की भी पुलिस कैसी है हम सब जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में सोमवार को एक ऐसे पत्रकार की पिटाई हुई, बहुत बुरी तरह उनको घायल किया गया, विक्रम जोशी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मंडे की शाम को अपनी बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, बिल्कुल छोटी छोटी बेटियां उनकी हैं, 8 साल की हैं और 11 साल की है, और उनके साथ जा रहे थे और उन पर अपराधियों ने अचानक हमला बोल दिया और कई अपराधी, और वो भी बिल्कुल पब्लिक जगह पे, बिल्कुल रोड पे जहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, उन्हें इस कदर मारा गया कि वो बिल्कुल बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज अर्ली इन द मॉर्निंग उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। अब मेरा ये कहना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कोई भी राज्य हो अपने देश की, हत्याओं का सिलसिला घटने के बजाय लगातार बढ़ ही रहा है। और ये जो हत्याएँ हैं इस दौर में भी अगर हो रही हैं, महामारी के दौर में भी, जब करुणा लोगों में जागनी चाहिए, लोगों में एक सहिष्णुता जागनी चाहिए, लोगों में एक एक अपने आप और अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति एक भाईचारा और विकसित होना चाहिए, लेकिन देखिए कितनी बर्बरता है। सिर्फ विक्रम जोशी ने उन अपराधियों को कुछ दिन पहले मना किया था कि उसकी भांजी के साथ वो छेड़छाड़ न करें, बदतमीजी न करें, उन्होंने इसकी जो इत्तला है, इसकी जो सूचना है, पुलिस को भी दे दी थी और पुलिस को बोला था कि उन्हें इस बात का खतरा है कि उनके मामा की और उनकी दोनों की ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी हमला कर सकते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे उन हत्यारों को, जो आज इन्होंने हत्या कर दी है, उनको वो अंकुश में ले सकें। और इस तरह विक्रम जोशी की हत्या हो गई, दो बच्चे अनाथ हो गए और पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। पत्रकारों ने आज गाजियाबाद में प्रोटेस्ट किया, बहुत सारा वहां पर तमाम बंदिश के बावजूद भी प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जो देश के जो नेशनल डेलीज हैं उनके लिए भी रिपोर्ट करते रहे हैं लंबे समय से, रवि अरोड़ा हैं। रवि अरोड़ा, बिल्कुल संक्षेप में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है विक्रम जोशी की हत्या, इस बारे में आप लोग वहां जो पत्रकार हैं किस रूप में देख रहे हैं, और शासन जो इतना मुस्तैद अपने को मानता है वहां का, आखिर ये हत्या क्यों हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई हत्यारों पर इसके पहले कि वो हत्या करते? देखिए, ये हत्या का कोई साधारण मामला नहीं है, इसे शासन की मंशा से जुड़ा हुआ भी देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लगभग सभी जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं, छोटे छोटे मामलों में भी पत्रकारों को घसीटा जा रहा है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है,
उसी का नतीजा है कि पुलिस का एक सिपाही तक पत्रकार या पत्रकार की किसी बात को या उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। विक्रम जोशी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत स्थानीय पुलिस को की थी, लेकिन चौकी चार्ज उसके अंदर सुलह सफाई की कोशिश करते रहे, मेल मिलाप का प्रयास करते रहे। एसएसपी के संज्ञान में मामला लाया गया, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हत्या से 2 घंटा पूर्व विक्रम जोशी ने चौकी चार्ज को फ़ोन किया था और उनको कहा था कि मुझे डर है कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन चौकी चार्ज ने यह कहकर टाल दिया कि मैं तो बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर हूँ। वो चाहते तो किसी की और ड्यूटी लगाई जा सकती थी, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता था मामला। तो इस मामले में मुझे लगता है कि बदमाशों को तो हम दोषी ठहरा ही रहे हैं, वो दोषी हैं ही, लेकिन पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। और इस मामले में कम से कम चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि अरोड़ा। दोस्तों, ये जो गाजियाबाद की घटना है, ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो वारदात हो रही है, इसका एक तरह से मैं मानता हूं कि ये एक निचोड़ है कि किस तरह पुलिस आम आदमी, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, खासकर जो विपक्षी दल में काम करता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, कवि हो, अगर इस तरह के वो लोग हैं तो पुलिस सुनने वाली नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक स्तर पर एक माहौल बना दिया गया है और शासन को इसी तरह का डिक्टेशन दिया गया है, डिक्टेट कर दिया गया है कि किन लोगों के साथ नरमी बरतनी है, किन लोगों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी है, या किन लोगों की परवाह करनी है, किन लोगों की परवाह नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश का हाल यह है कि आईजी स्तर का एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी एसआर दारापुरी साहब, उनको भी पुलिस तंग करती है, कभी कुर्की करने के लिए उनके घर की, कभी पैसा वसूलने के लिए कि आप पर इतना थोपा गया है, आप दीजिए उसकी, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके बावजूद उनके घर पुलिस पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, अब ठीक है कि विकास दुबे के मामले में जो एक कुख्यात अपराधी था, पुलिस स्वयं विक्टिम बन गई, लेकिन इससे दोस्तों हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश के दूसरे प्रांतों में हो, जिस तरह से राजनीति और पुलिस, राजनीति और नौकरशाही, राजनीति और अपराधियों का एक अजीब तरह का संश्रय है, एक अजीब तरह के रिश्ते डेवलप हो गए हैं, और उसकी वजह से कानून व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को तवज्जो देने का जो एक परिपाटी आजादी के बाद शुरू में स्थापित करने की कोशिश की गई थी, वो खत्म कर दी गई, वो खत्म हो गई। तो संवैधानिकता और कानून को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर कुछ लोगों के लिए केवल कानून होगा, समूचे राज्य में, समूचे देश में अगर कुछ ही लोगों के लिए कानून होगा, कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को बेहाल करने के लिए, कुछ निर्दोष लोगों को जेल में डालने के लिए, आप देख लीजिए कितने सारे लोग इस देश में जेल में हैं, वो जेल में 80 साल से अधिक उम्र के कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, तमाम ऐसे लोगों को डाला गया है, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की तरह, वरवर राव की तरह कवि, आनंद तेलतुंबड़े की तरह विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, और ये सारे लोग किस तरह का स्वरूप है पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था का, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म सा कर देना है। अब उसमें कई लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो दोस्तों, जब माहौल इस तरह का बन जाएगा समाज में, हमारी सियासत में, तो यही होगा कि पुलिस बेलगाम हो जाएगी, क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं वो हमारे लिए वही सब कुछ खुदा है, हमारे लिए उनके अलावा कोई मतलब नहीं है, क्या कहती है आईपीसी, क्या कहता है सीआरपीसी, क्या कहती है संवैधानिक व्यवस्था, क्या कहता है कानून व्यवस्था का जो 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 ग्रामर है, उससे कोई उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ नेता जो सत्ता में बैठा है सिर्फ उसकी परवाह करेगा। तो दोस्तों, ये जो हालात पैदा हुए हैं अपने देश के, वो भयानक हैं, और ये मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये समूचे पूरे देश के ज्यादा से ज्यादा बड़े हिस्से में आप इसको देख सकते हैं। तो एक तो
विक्रम जोशी की इस हत्या को लेकर मैं समझता हूं कि जो आक्रोश है पत्रकारों में उसको सामने रखते हुए पत्रकारों को भी ये सोचने की जरूरत मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि आखिर विक्टिम कभी पुलिस बनती है, कभी पत्रकार बनता है, कभी वकील बनता है। तो ये जो विक्टिम बनने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि पूरे समाज को जो विक्टिम बनाने वाली जो व्यवस्था है, जो कार्य प्रणाली है, जो राजनीति है, क्यों नहीं उसको ईमानदारी के साथ रिव्यू करें और ऐसा एक मैकेनिज्म सामने आवे, एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जिससे कि चीजों को बेहतर बनाया जा सके। पहली बात तो ये मैं करना चाहता था। और बिल्कुल अंत में बहुत ही संक्षेप में दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को ही डॉक्टर जावेद अली 11 वर्षों से काम कर रहे थे और नेशनल हेल्थ मिशन दिल्ली के साथ इन्वॉल्व थे, जुड़े हुए थे, और उन डॉक्टर की कोरोना संक्रमित होने के कारण मौत हो गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। इस देश में कोरोना से जो जिनका निधन हो रहा है, जिनकी मौत हो रही है, असंख्य लोग हैं, हजारों की संख्या पहुंच गई है दोस्तों। लेकिन आज मैं एक ऐसे डॉक्टर का जिक्र इसलिए सिर्फ कर रहा हूं क्योंकि उसने अनेक नागरिकों को, अनेक आम लोगों को, जैसा बताया जाता है, कोरोना से बचाया था, जिसने शिद्दत के साथ काम किया था, किसी दिन छुट्टी जिस आदमी ने नहीं ली थी मार्च महीने से ही, और वो कोरोना से संक्रमित हुए 24 जून को, और बीते सोमवार उनका निधन हो गया, उनको बचाया नहीं जा सका। कोशिश जरूर डॉक्टर्स ने की होगी, हर संभव कोशिश की होगी, लेकिन नहीं बचाया जा सका। उनकी मौत के बाद एक कंट्रोवर्सी उठ गई कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल, वो संविदा पर नियुक्त डॉक्टर हैं, इसलिए पता नहीं उनको हमारी व्यवस्था, जो जिस सरकार जिसने अनाउंस किया है कि कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो मुआवजा उन डॉक्टर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया गया। लेकिन मैं जरूर शाबाशी दूंगा नौजवान पत्रकारों का, खासकर टेलीविजन और अखबारों के, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि कोरोना वॉरियर वो है, कोरोना के वो योद्धा हैं, कोरोना से लड़ने वाले लोगों में वो शुमार हैं, उनको भी वही मुआवजा मिलना चाहिए जो 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 परमानेंट नियुक्ति पर जो काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको मिलता है, अगर उनकी दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और अल्टीमेटली आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ही समय पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि उनको कोरोना योद्धा के तौर पे ट्रीट करती है सरकार, और वो जो वाजिब मुआवजा है वो मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन हम जो आपके साथ सामने बहुत संक्षेप में बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो व्यवस्था है अपने देश में, ये जो संविदा पर 10-10 साल 5-5 साल तक रखने की जो व्यवस्था है, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आज पत्रकारों के दबाव में, मीडिया के दबाव में, मीडिया आमतौर पे हमारे देश में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो चमक दिखाई देती है जो मीडिया का काम है, और जावेद अली के मामले में मैं सैल्यूट करता हूँ नौजवान रिपोर्टरों को कि उन्होंने किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये ठेके पर रखने की व्यवस्था है, कैसे अमानवीय है, कैसे ये आपके वाजिब हक को मारती है, आपके सेवा करने के जो का जो हक है, और सेवा के उपलक्ष्य में उसके 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 फलितार्थ के रूप में जो पाने का हक है उसको मारती है, चाहे मीडिया में हो कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं हो। मैं समझता हूं कि भारत में, भारत की आवाम को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जावेद अली की जो दुखद मौत है उस कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर ये सवाल उठा है कि कैसे ठेके पर रखने की जो व्यवस्था है वो मानवाधिकार का हनन है, वो कैसे सेवा शर्तों का हनन है, और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो मूल संकल्पना है, उसका भी वायलेशन है, जबकि हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे देश का निजाम अब कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखने के लिए, यहाँ तक कि बड़े प्रशासनिक जो अफसर हैं उनकी नियुक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट पर करने का रिवाज शुरू कर दिया है। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का मैं यहीं समापन करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।